चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्देशक न्यूज। अन्देशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। अन्देशकों से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक ने दिया ज्ञापन, अन्देशकों का किया जाए समायोजन। दूसरी बड़ी खबर है शिक्षिका पर थप्पड़ मारने का आरोप। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा अन्देशकों के समायोजन के लिए ज्ञापन दिया गया है और साथ ही कहा गया है वेतन कम से कम 30,000 होना चाहिए। शिक्षक संघ ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा और उसमें अन्देशकों की मांग रखी है, जिसमें समायोजन और 30,000 वेतन देने के लिए। साधु दिखाते हैं वो ज्ञापन जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया और इसमें 11वें पॉइंट पर लिखा है, प्रदेश में कार्यरत अंशकालिक अन्देशकों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए व स्थानांतरण की सुविधा एवं कम से कम 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। हम समस्त प्रदेश के अन्देशकों की तरफ से चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ को धन्यवाद देते हैं कि आपने अन्देशकों की बात को अपने मांग पत्र में शामिल किया, जिसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब दिखाते हैं अन्देशकों की एक और दर्दनाक दयनीय तस्वीर। यहाँ पर शिक्षिका पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। सीतापुर का ये समाचार। ब्लॉक खैराबाद के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अन्देशक ने सहायक अध्यापिका पर अभद्रता करने के साथ थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने SP से शिकायत की है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर खुर्द में अन्देशक के पद पर अरुण कुमार तैनात हैं। आरोप है कि विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका ने 9 जुलाई को जाति सूचक बात कहते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया। जब पीड़ित और उसके साथी विज्ञान कक्ष में जाकर खाना खाने लगे तो वहां भी अध्यापिका पहुंच गई। पीड़ित का आरोप है कि अध्यापिका ने वहां आकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो अध्यापिका ने उसके थप्पड़ मार दिया। पीड़ित ने बताया कि शिक्षिका का पति भी वहीं पर अध्यापक है। पीड़ित ने घटना की लिखित शिकायत SP और BSA से भी की है। प्रदेश में हुई इस घटना से समस्त अन्देशक समाज आहत है। ऐसा क्यों किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा? हमारे समाज में शिक्षक को एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। अगर एक आदर्श व्यक्ति ही इस तरीके से अभद्र व्यवहार करेगा तो फिर और हम किसका भरोसा करेंगे? मामले की पूरी जांच होना चाहिए और जांच होकर क्या मामला रहा है, क्या बात हुई है, उस पर सरकार, शासन और प्रशासन सभी को ध्यान देना चाहिए और दोषी को सजा मिलना चाहिए ताकि अन्देशकों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये थी खास खबरें। अब तक की मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। अब तक की अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।